मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कंप्लीट ब्लाउज़ डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो बोट नेक प्रिंसेस कट पर है। तो यहाँ पर ये मेन फैब्रिक है, ये अस्तर का फैब्रिक है। मेन फैब्रिक मैंने लिया है 70 सेंटीमीटर 32 साइज़ के ब्लाउज़ के लिए, और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 80 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे, और यहाँ पर हम जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का आप प्लस करके लीजिएगा। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है, और सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर एंड आर्म होल्स रखने हैं हमें बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर 32 साइज़ का बोट नेक बना रही हूँ, उसमें हमें शोल्डर एंड आर्म होल्स रखने हैं 6.5 इंच 6.5 इंच लेने हैं। अगर आप किसी अलग साइज़ का बना रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको चार्ट की लिंक दे रही हूँ, आप देख के अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हैं। शोल्डर एंड आर्म होल्स रखिए हमने यहाँ पर 6.5 इंच। चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेंगे, यहाँ पर हम 32 साइज़ का लेंगे 8 इंच, और 1.5 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। और देखिएगा, यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कर दी है। 1/2 इंच का शोल्डर को हमने डाउन कर दिया है। कमर है 26 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा यहाँ पर 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा और लेते हैं जो बैक पार्ट में हम प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा ही डिटेल में आपको इसका कटिंग, स्टिचिंग, फिटिंग कंप्लीट ही बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, और मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ, पर अगर आपको इसे फ्रंट ओपन बनाना है तो वो भी आप ईज़िली बना सकते हैं। फ्रंट पार्ट में देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, कपड़े को हमने दूसरी तरफ से फोल्ड करके रख लिया है यहाँ पर, और सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके हम कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और 1/2 इंच हमें लेंथ में एक्स्ट्रा लेना होता है। जब भी हम प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ बनाते हैं तो फ्रंट पार्ट में आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, चाहे वो बैक ओपन हो चाहे फ्रंट ओपन हो। अब क्या करना है, देखिए, अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाना चाहें तो आपको बस यहाँ पर 1/2 इंच का हाई हुक की पट्टी के लिए लेना है एक्स्ट्रा, बाकी सारी मार्किंग आपको इसे छोड़कर करना है, और बैक पार्ट को हाई हुक की पट्टी का 1/2 इंच छोड़ते हुए रखना है। पर हम इसे बैक ओपन बना रहे हैं, तो देखिए, मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लिया है, आगे से बराबर करके नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। इसके बाद हम इसकी मार्किंग एज इट इज़ कर लेंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम इसे हटा लेंगे, और साइड से आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। ये हमने मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा लिया है, और ये लेना प्रिंसेस कट में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते हैं तो आपका फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है, फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है। तो ये पार्ट आप एक्स्ट्रा लीजिएगा, बाद में अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है तो वो हम स्टिचिंग के समय, फिटिंग के समय कट करके निकाल देते हैं। आर्म होल की गोलाई मैं आपको स्टिचिंग वाले पार्ट में बताऊंगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से देनी होती है। अभी कट नहीं करना है हमें, और यहाँ पर देखिए, बैक और फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है हमने। अब आपको इसे इस तरीके से अच्छे से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आपको 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करना है। तो ये हम बोट नेक और कॉलर ब्लाउज़ में शोल्डर को डाउन करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं, तो इस तरीके से हम इसे कट करके कम कर देते हैं। देखिएगा, यहाँ पर 1/2 इंच का शोल्डर को हमने डाउन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 4 इंच पर एक मार्क कर लेंगे नेक विड्थ का। इसमें हम नेक की जो विड्थ रख रहे हैं वो 4 इंच रख रहे हैं, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं, 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हम आगे फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको नेक के लिए बता देती हूँ, गले की जो विड्थ है वो मैं आपको पेपर पेस्टिंग पे भी बताऊंगी। इसका आगे और पीछे का नेक में हम पेपर पेस्टिंग लगाएंगे, जिससे कि हमारे नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। इसके बाद देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक की विड्थ रखनी है 4 इंच, और नेक की लेंथ मैं यहाँ पर रख रही हूँ 3.5 इंच 3.5 इंच। अगर आप चाहें थोड़ा बड़ा करना चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं इस तरीके से, पर ये बोट नेक ब्लाउज़ है तो इसमें हमें आगे का नेक ज़्यादा डीप नहीं रखना है। और इस तरीके से देखिए, अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग यहाँ पर करेंगे। तो विड्थ में आपको 3 इंच लेना है, 3 इंच लिया है यहाँ पर। ऊपर से टक्स पॉइंट लीजिएगा आप 10 इंच पर, 32 साइज़ में टक्स पॉइंट लगाना है आपको 10 इंच पर। 10 इंच पर मार्क कर लीजिएगा टक्स पॉइंट के लिए, और यहाँ पर इस लाइन को हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। इससे पहले टक्स पॉइंट वाली लाइन को आप सीधा ड्रॉ कर लें, और यहाँ से थोड़ा सा हमें बढ़ा कर लेना होता है, 3.25 इंच पर हम मार्क करेंगे इस तरीके से, ये देखिए।
और इस लाइन को हम मिला देंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है हमें। इसके बाद इस लाइन को हम आर्म होल्स की तरफ मिलाएंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, और टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर टक्स आपको लेना है 1.5 इंच, और टक्स की जो लेंथ है वो लेनी है 2 इंच। विड्थ में टक्स लिया है 1.5 इंच और लेंथ में लिया है मैंने 2 इंच। इसके बाद आपको हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है, हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो ये मार्किंग हमारी प्रिंसेस कट पार्ट की फ्रंट की कंप्लीट हो गई है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने किस तरीके से ड्राफ्टिंग की है, इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना है अब जो हमने मार्किंग की है इसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ से आप इस तरीके से कट करें। अगर आपको ये शेप देने में प्रॉब्लम आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ही ईजी है ये पैटर्न बनाना। और मैं बहुत ही आसान तरीके से कटिंग बताती हूँ प्रिंसेस कट की, और इसमें फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम बैक पार्ट के नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ जितनी हमने फ्रंट में ली है उतनी ही लेनी है, विड्थ 4 इंच, और लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 इंच लिया है, और बोट नेक के साथ पीछे का वी नेक बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पर वी शेप दे दिया है बैक में, आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। अब हमने मेन फैब्रिक पर इसे इस तरीके से रख लिया है। बैक का जो पार्ट है वो मैंने ओपन तरफ से रखा है, फ्रंट का जो पार्ट है वो मैंने बंद तरफ से रखा है, और इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। साइड से जो फैब्रिक बचा है उसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अगर आप इसमें बड़ी स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो 80 सेंटीमीटर आप लीजिएगा मेन फैब्रिक। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का आर्म होल नाप कर मैं स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। 1.5 इंच साइड से मार्जिन का छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के मैंने आर्म होल नापा है। तो ये ना आर्म होल हमारा आ रहा है 6.5 इंच, 6.5 इंच। इसमें मैंने 1/2 इंच प्लस कर दिया है, क्योंकि जब हम फ्रंट का आर्म होल कट करते हैं तो वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए हमें 1/2 इंच थोड़ा बढ़ा कर ले लेना होता है, नहीं तो हमारी स्लीव्स छोटी हो जाती है जोड़ते समय। तो अब हमें देखिए यहाँ पर स्लीव्स के लिए मार्किंग करनी है। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर तैयार रखूँगी 5 इंच स्लीव्स। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ ली है 5 इंच, 4 इंच मुझे तैयार रखनी है। और जो आर्महोल्स हमने नापा था उस पर मैंने इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। इसे डाउन करना है हमें 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर मैंने इसे डाउन किया है, और हल्के हाथों से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। इसके बाद देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर स्लीव्स की जो हमारा राउंड होता है उसकी मार्किंग कर लेनी है। मेरा स्लीव्स राउंड 11 इंच है, उसका हाफ ले लेना है हमें यहाँ पर 5.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन का। मार्जिन आप जितना ब्लाउज में रखना है उतना ही आपको स्लीव्स में भी रखना है, और यहाँ पर आपको 1/2 इंच का शेप दे देना है इस तरीके से। ये देखिए 1/2 इंच का शेप हमने यहाँ पर दे दिया है, और क्रॉस का मार्किंग कर लें ताकि जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि ये पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। और ये मेन फैब्रिक हमारा बचा है, इस तरीके से हम इस पर स्लीव्स रख कर कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर छोटी स्लीव्स ही बना रही हूँ इसलिए मैंने फैब्रिक कम लिया है। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो फैब्रिक आप अस्तर का और मेन फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। और अब हम इस पर इस तरीके से रख करके कट कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं मेन फैब्रिक हमेशा बढ़ा कर कट करती हूँ ताकि जोड़ते समय हमें आसानी रहे। और इस तरीके से हमारे सारे ही पार्ट कट हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको नेक की कटिंग बताऊंगी कि पेपर पेस्टिंग पे आपको कैसे कट करना है। और पेपर पेस्टिंग लगाने से हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छा बनता है फिनिशिंग के साथ। तो ये मैंने यहाँ पर 2 पेपर पेस्टिंग लिए हैं, ये छोटा वाला फ्रंट के लिए है, बड़ा वाला बैक के लिए है। तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करके रखना है। बंद भाग से नेक की विड्थ नाप लेनी है आपको 4 इंच, और नेक की लेंथ रखी है मैंने 3.5 इंच। आप चाहें तो 4 इंच भी रख सकते हैं। साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, 1/2 से 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें, और इस तरीके से कटिंग कर लें। ऊपर से 1/2 इंच मैंने गले की विड्थ के लिए छोड़ दिया है इस तरीके से। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर फ्रंट नेक बोट नेक कटिंग हो चुका है। इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होता है अस्तर वाला उसके ऊपर रख कर प्रेस से चिपका लेंगे। अब मैंने लिया है ये वाला फैब्रिक, ये वाला पेपर पेस्टिंग लिया है बैक के लिए। तो यहाँ की भी हम गले की जो विड्थ है वो बंद भाग से नापेंगे 4 इंच, और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं नेक की लेंथ, जितनी आप रखना चाहें। और बैक में आप डीप नेक बना सकते हैं बोट नेक में इस तरीके से। ये हमारा वी नेक हो गया है, और ऊपर से गले की विड्थ का हमने छोड़ दिया है 1/2 इंच का।
और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे कट कर लेना है। साइड से हाफ या पौना एक इंच एक्स्ट्रा लेकर आप कट कर लें इसे। तो देखिए दोनों ही नेक हमारे कटिंग हो चुके हैं, हम इसे बैक ओपन बना रहे हैं। आप चाहें तो फ्रंट ओपन या साइड जिप या साइड हुक के साथ भी बना सकते हैं। बोट नेक चार्ट की लिंक आप ज़रूर देख लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी। तो ये सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए। ये नेक को मैंने यहाँ पर प्रेस से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है, आप चाहें तो सिलाई लगा कर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को अच्छे से सिलाई लगा कर अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएँ, अंदर की तरफ कोई भी सेल या क्रीज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हम अपना मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को जॉइंट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से जॉइंट लगा लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम निकाल देंगे और इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करना है। यहाँ पर हम नेक को जॉइंट करने के लिए हल्का सा सेंटर में कट लगा लेंगे और इसके बाद सेंटर में मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ये सेंटर मार्किंग हमने नेक को जॉइंट करने के लिए किया है। अब हम नेक लेंगे, इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके निकाल देंगे और छोटे से कट लगा लेंगे यहाँ पर ताकि ईजीली ये फोल्ड हो जाए। अब आपको फिनिशिंग के साथ नेक को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट का नेक है और इसे हम फोल्ड करके इस तरीके से सेंटर मार्क कर लेंगे। डबल फोल्ड कर लेना है, सेंटर में मार्किंग कर लेना है। अब सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए ब्लाउज़ और नेक की आपको यहाँ पर पिन लगा लेनी है। आप चाहें तो रफ स्टिच भी लगा सकते हैं, मैंने इसे पिन से अटैच कर दिया है। इसके बाद हम नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा नेक है, इसे पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए आपको सिलाई लगानी है। अब पिन को निकाल कर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दीजिए इस तरीके से और पूरे ही नेक पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप कट लगा लीजिए। ये देखिए अब हम एक सिलाई इस तरफ करके नेक की पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। इसके बाद इसे अंदर फोल्ड करके ऊपर से एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे हम। तो यहाँ पर आपको फिनिशिंग के साथ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से हमें ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच कर लेना है। पिन दोनों तरफ रखकर पिन लगा लें और अच्छे से आप इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें और दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखिए इसके बाद हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ से आपको नीचे से इसे अटैच करना है। कोई भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है और हमेशा मैं आपको बोलती हूँ इसे नीचे से ही अटैच करें, आप ऊपर से नहीं करना होता है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा पफ यहाँ पर आ गया है और ये फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। दूसरा वाला पार्ट भी आपको नीचे से ही अटैच करना है। ये देखिए अच्छे से आप इसे पक्का कर लें और यहाँ पर अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये वाला पार्ट जॉइंट करने के बाद मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है और दोनों पार्ट की गहराई हम साथ में ही कर रहे हैं, आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ से पौना एक इंच की आपको गहराई दे देनी है और फिर वापस इसे सिलाई लगा कर पैक कर देना है। तो ये गहराई का पार्ट भी हमने कर दिया है दोनों तरफ। अब आपको नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। कमर पट्टी 1.5 इंच विड्थ में हमने ली है और उसे यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लिया है। इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बैक पार्ट बताऊंगी वो कैसे तैयार करना है। तो बैक पार्ट हमने बीच में से कट करके इसे ओपन कर लेना है और दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक को उल्टा सीधा आप चेक कर लें। उल्टा वाला पार्ट आपको ऊपर की तरफ ही रखना है क्योंकि हम इसमें पेपर पेस्टिंग लगाएंगे और दोनों तरफ आपको इस तरीके से इसे पिन लगा लेनी है। मैं आपको एक पार्ट तैयार करके दिखा रही हूँ बैक का, दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। ये देखिए हमने चारों तरफ से सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं और ये हमारा नेक है। तो इसे आपको साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। पहले आप इसे बीच में से कट कर लीजिएगा क्योंकि दोनों नेक हम अलग अलग बनाएंगे। तो अच्छे से आप इसे नेक की विड्थ के साथ चेक कर लें और बीच में से कट करके इसे ओपन कर लें। इसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और हमारा जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है वो लेना है। गले की विड्थ आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि हमें 4 इंच ही रखनी है, आप चाहें तो इंच टेप से नाप लीजिएगा। और यहाँ पर आप इसे पिन लगा लें और नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएं।
तो हमारा जो नेक है वी नेक, उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। पिन को निकाल कर आप इस तरीके से कपड़ा कट कर लें और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन जितना ही फैब्रिक रखना है कट लगा लेने हैं। नेक की पट्टी को इस तरफ करके एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगा लीजिए और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई अभी नहीं लगाना है, वो हम शोल्डर को जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। 4.5 इंच की लेंथ में मैंने प्लेट्स को डाल लिया है, दोनों पार्ट देखिएगा तैयार कर लिए हैं। अब हमें लगानी है हाई की पट्टी, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरीके से लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें हाई की पट्टी लगानी होती है फिनिशिंग के साथ। हाई की पट्टी मैंने लगा ली है और अब हम दूसरी तरफ हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। और दूसरी तरफ हम लगाएंगे हुक की पट्टी, इस तरीके से हुक की पट्टी लगा लेनी है और दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद ही आप नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएं। कमर पट्टी मैंने लगा ली है और अब हम स्लीव्स तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप बैक पार्ट भी बहुत ही ब्यूटीफुल और स्टाइलिश लुक दे रहा है, तो आप भी ये वाला ब्लाउज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद देखिए स्लीव्स आपको इस तरीके से रेडी करनी है। एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के लगा लें और साइड से सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके आपको निकाल देना है और दूसरा स्लीव्स का पैटर्न भी इसी तरीके से रेडी करें। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद दोनों स्लीव्स के जॉइंट को इस तरीके से आप बराबर कर लीजिए और चेक करना होता है कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं है। सेंटर में एक कट लगा लीजिएगा और अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें शोल्डर को जॉइंट करना है, तो बाहर वाली जो नेक की पट्टी हमारी बैक पार्ट की उसे बाहर की तरफ रखना है और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को आपको इस तरीके से रखना है। अब ये नेक की पट्टी को उठाकर आप ऊपर की तरफ फोल्ड कर लें और यहाँ पर अच्छे से इसे पक्का कर लें। दूसरे तरफ का शोल्डर भी आपको इसी तरीके से जॉइंट करना है, इस तरीके से बैक पार्ट की नेक की पट्टी को बाहर निकालना है और इसे ऊपर की तरफ करके जॉइंट करना है। तो ये देखिए अब हम इसे खोलेंगे तो हमारा शोल्डर फिनिशिंग के साथ दिखेगा। अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है, तो उससे पहले हम यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ नेक पे आपको तुरपाई कर लेनी है सुई से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के लिए फ्रंट पार्ट का करेंगे हम सेंटर मार्किंग और बैक पार्ट को उठाकर रखेंगे इसके ऊपर सेंटर मार्क से। यहाँ पर आपको पिन लगा लेनी है, अच्छे से आप यहाँ पर बराबर करके चेक कर लें, नीचे से बिल्कुल बराबर कर लें और साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर लें। आर्म होल्स तरफ से भी नीचे से बराबर करते हुए हल्का सा आर्म होल को छांट लेना है, दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। और अब हम सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे, तो गहराई वाले पार्ट का ध्यान रखना है कि वो फ्रंट में ही आए और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रख लेते हुए आपको स्लीव्स को जॉइंट करना है। स्लीव्स में आप हमेशा डबल सिलाई लगाएं, डबल सिलाई से हमारी जो स्लीव्स है वो पक्की हो जाती है। इसके बाद हम दूसरी तरफ की स्लीव्स भी जॉइंट कर लेंगे। अब ब्लाउज़ को सीधा करके सीधी तरफ आपको एक सिलाई लगानी है स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए। ये गुम सिलाई होती है जो हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है, इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर देना है। इसके बाद हम मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और एक सिलाई हम दोनों तरफ इस तरीके से लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। सेंटर मार्क करना है चेस्ट और वेस्ट का, इस तरीके से चेस्ट का लेना है आपको 8 इंच, कमर का आपका जो भी मेजरमेंट होता है वो लीजिएगा, मैंने लिया है 6.5 इंच। और स्लीव्स राउंड लूँगी मैं यहाँ पर 5.5 इंच, आपका स्लीव्स राउंड जो भी होता है आप वो लीजिएगा। इस तरीके से फिटिंग के लिए मार्क कर लेंगे और एक सिलाई हम फिटिंग की यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग कर लेना है। तो ये ब्लाउज़ बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।